जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे रामेश्वर राजपूत ने कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपते हुए बताया कि भीकमपुर चरगमा मार्ग पर इन दोनों जोरों से क्षेत्र के दबंगों के द्वारा अवैध उत्खनन किया जा रहा है। जानकारी देते हुए बताया कि करीब 110 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है और 24 घंटे रेत निकाली जा रही है। शिकायत पत्र सौंपने आए रामेश्वर सिंह ने बताया कि जिस जमीन पर क्षेत्र के दबंगों ने कब्जा किया है वह वर्तमान में मुख्यमंत्री के द्वारा गौशाला के लिए आवंटित की गई है और उसी जमीन पर कब्जा किया गया है। कब्जेधारी इतने दबंग हैं कि उनको किसी का भी कोई खौफ नहीं है। वे खुलेआम शिकायत करने वालों को जान से मारने की धमकी देते हैं। ग्राम भीकमपुर में चरगमा थाना अंतर्गत भीकमपुर में अवैध उत्खनन हो रहा है, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ जी द्वारा गौशाला की जमीन स्वीकृत की जा चुकी है। पूर्व विधायक सोवरन सिंह जी द्वारा खेल मैदान 40 एकड़ में भूमि पर बनाया गया था। लगभग 110 एकड़ सरकारी जमीन है, जिसमें क्षेत्रीय गुंडों द्वारा अवैध उत्खनन कार्य किया जा रहा है। 100 से 200 हाईवा डेली रेत निकाली जा रही है। बड़ी बड़ी मशीनें 220 चेन माउंटेड JCB 50 से 100 हाईवा लगे हुए 24 घंटे रेत निकासी की जा रही है। चरगवा से भीकमपुर तक ग्रामीणों का रहना खाना बनाना दूभर हो रहा है और गुंडों का ये कहना है क्षेत्रीय में दबदबा है। अगर किसी ने शिकायत की और अगर किसी ने कुछ बोला तो हम उसको गोली मार देंगे। जान से मारने की बार बार धमकी दे रहे हैं। कौन लोग हैं ये? क्षेत्रीय लोग हैं। वहाँ एक राजू यादव है रामपुर से और रानू ठाकुर चरगुआ से और पटेल साहब हैं एक वहीं से। ये कांग्रेस के लोग हैं क्या? ये तो नहीं मालूम कांग्रेस के हैं किसके। मतलब दबंग लोग हैं ये? ये बहुत दबंग लोग हैं। ये सरकारी जमीन में इन लोगों ने 4 महीने से अभी कब्जा किया है। शिकायत की आपने प्रशासन? हमने 10 बार शिकायत कर चुके। ये हमारी दसवीं शिकायत। प्रशासन ने कोई कार्रवाई? प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। कोई अधिकारी कुछ करने तैयार ही नहीं हो रहा। सारे अधिकारी डर रहे हैं, राजनीतिक दबाव में हैं। खनिज अधिकारियों का भी लेन देन है इसमें? अब खनिज अधिकारियों का क्या लेन देन है क्या नहीं है ये तो सिस्टम होगा। हाँ। अधिकारियों का होगा। मैं तो सभी पे आरोप लगाता हूँ, पुलिस से लेके थाना प्रभारियों की मिली भगत से, SDM की मिली भगत से, माइनिंग अधिकारियों की मिली भगत से ये कार्य हो रहा।